उदयपुर के अवामता थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर है, जहां एक युवक का अपहरण हो गया। अपहरण कर युवक के साथ जबरन उसके कपड़े खुलवा कर मारपीट करने का मामला सामने आया है। वहीं बदमाशों ने मारपीट करते हुए पीड़ित का वीडियो बनाया। इतना ही नहीं, आरोपियों ने पीड़ित को तलवार और पिस्टल का खौफ दिखाकर डराया और धमकाया भी, और उस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो में पीड़ित युवक जोर जोर से रोते हुए मारपीट नहीं करने की गुहार लगाते हुए नजर आ रहा है। पुलिस के मुताबिक मामले में तिलक नगर सेक्टर 3 निवासी कुशाग्र चंपावत ने इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस के मुताबिक कुशाग्र इवेंट मैनेजमेंट का काम करता है। आरोपी साहिल हुसैन ने कुशाग्र को 27 मार्च को फोन कर मल्लातलाई में काम करने के बहाने बुलाया था। रात 11 बजे कुशाग्र वहां पहुंचा, जहां साहिल के साथ फरहान अंसारी, मोइन और खादिन शेख भी शामिल थे। कुशाग्र का आरोप है कि आरोपियों ने पहले उसका मोबाइल छीना, फिर जबरन उसे कार में बैठाकर 80 फीट रोड के पीछे सुनसान जगह पर ले गए। वहां मोइन ने कुशाग्र की गर्दन पर तलवार रखकर कहा, तुम लोगों ने हमें नीचा दिखाया, तुझे मारकर बदला लेंगे। वहीं फरहान ने पिस्टल दिखाकर धमकाया और कपड़े खोलने को मजबूर किया। उसके बाद कुशाग्र के साथ मारपीट की और उसका वीडियो भी बना है। शोर मचाने पर कुछ लोग वहां पहुंचे, जिन्हें देखकर आरोपी वहां से फरार हो गए। पीड़ित कुशाग्र ने बताया कि कुछ महीने पहले मेरे इवेंट के एक आर्टिस्ट के साथ इन लोगों ने मारपीट की थी। मैंने समझाइश के तौर पर इनको कॉल किया कि आपको आर्टिस्ट के साथ मारपीट नहीं करनी चाहिए थी। इस पर फरहान और उसके साथियों ने मुझे धमकाते हुए कहा, ज्यादा बोलेगा तो तुझे भी मार डालेंगे। इसके 2-3 दिन बाद इन्होंने मुझे रात को करीब 11 बजे मल्लातलाई चौराहे पर बुलाया। मैं वहां गया तो मुझे कार में जबरन धकेल कर सुनसान जगह ले गए। मारपीट के बाद भी व्हाट्सएप कॉल कर धमका रहे थे। कुशाग्र ने बताया कि चारों युवक अक्सर इवेंट पार्टी में पास लेकर एंट्री करते थे। वहां इवेंट कर्मचारी सहित अन्य लोगों के साथ में बदतमीजी करते थे। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें कोमी एकता नगर निवासी फरहान मोहम्मद अंसारी, 80 फीट रोड निवासी साहिल हुसैन, राता खेत निवासी मोइनुद्दीन और मल्लातलाई निवासी खादिम हुसैन को गिरफ्तार किया है। अम्बामाता थानाधिकारी रविंद्र चारण ने बताया कि जांच में पता लगा चारों आरोपी और पीड़ित लंबे समय से दोस्त थे। इन्होंने मारपीट से एक दिन पहले साथ में पार्टी भी की थी। उस दौरान किसी बात पर इनकी बात बिगड़ गई थी। इसके बाद आरोपी 4 युवक ने कुशाग्र के साथ मारपीट की। फिलहाल मारपीट करने वाले युवकों को पकड़ लिया गया है और आगे इसकी जांच चल रही है।